Well, hello friends and welcome to another episode of Bollywood This Week. But friends, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं SK TV के दो शोज के बारे में. एक तो द कपिल शर्मा शो एंड दूसरा वो शो जिसने पिछले दो हफ्ते से पूरे टीवी जगत को लिटरली बोल रहा हूँ हिला कर रख दिया है, नच बलिए सीजन 9. पहला तो मैंने बस ऊपर ऊपर से देखा था, पहला एपिसोड में सलमान भाई आए थे, बस थोड़े बहुत देख पाया था मैं, कुछ मिनट्स. लेकिन इस वीक का मैंने पूरा का पूरा एपिसोड देखा बैठ के, एंड लिटरली बोल रहा हूँ ये एक डांस रियलिटी शो नहीं है, इट्स एन म्यूजिकल एक्स्ट्रावेगेंजा ऑन स्क्रीन. यहाँ पर केवल डांस नहीं हो रहा, यहाँ पर कपल्स की जिंदगियों को दर्शाया जा रहा है, उनके ऊपर नीचे जो उतार चढ़ाव हुई उनकी जिंदगी में. कुछ एक्स कपल्स तो सिर्फ और सिर्फ इस डांस रियलिटी शो के लिए आए हैं यहाँ पर. एब्सोल्युटली अमेजिंग. विंदु दारा सिंह को डांस करते हुए देख के बहुत मजा आया, और फोगट जो दंगल की लड़की है वो तो क्या हिलेरियस डांस किया उसने. एंड गाइस उसके बाद यहाँ पर और भी थे, मधुरिमा टुली थी यहाँ पर, उसका जिसका बॉयफ्रेंड ने कुछ ज्यादा ही नाटक कर दिया ऑन स्टेज पर. यहाँ पे उर्वशी ढोलकिया भी थी जो काफी अच्छी थी. प्रिंस नरूला और उसकी जो बीवी है उन लोग का भी डांस काफी अच्छा था, थोड़ा इमोशनल हो गया बिकॉज हिज ब्रदर एक्सपायर्ड जस्ट अ वीक बैक, उनका भी काफी अच्छा था. ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छा था. कीथ सिक्वेरा और उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसने भी काफी अच्छा डांस किया था. शो इज वेरी नाइस. अहमद खान कुछ ज्यादा ही चिकना लग रहा है शो में, एंड रवीना टंडन लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग. What she looks so many years back, she looks the same. She looks absolutely gorgeous. इतना well packaged show है, इतना अच्छा art direction है. हर एक dance performance का art direction आपको ताली बजाने मजबूर कर देता है. इसी एक कारण है इस हफ्ते भी नच बलिए 9 remains the number one reality show on Indian television. Yes friends, पिछले हफ्ते बहुत लोगों ने कहा कि ओपनिंग एपिसोड में सलमान खान थे इसीलिए नंबर वन रहा ये, लेकिन कहते हैं ना कि अच्छे शो को रोक नहीं सकता. जैसे कपिल शर्मा शो पिछले कितने महीनों से वो नंबर वन पे चल रहा है, और आज भी अगर आप सुनोगे तो नंबर वन जो शोज है वो है रियलिटी टेलीविजन पे द कपिल शर्मा शो एंड नच बलिए 9, एंड बोथ आर प्रोड्यूस बाय नन अदर देन सलमान भाई SK TV. यानी कि सलमान खान चाहे वो बड़े पर्दे पर हो या छोटे पर्दे पर हो, जहां वो जुड़ जाते हैं वहां पर लोगों की लाइफ बना देते हैं. एड वर्ल्ड बोल लो, ही इज एवरीवेयर गाइस. लेकिन आज के एपिसोड शुरू करते हैं. बहुत सारे सीरियल्स के मैं आपको TRP बताऊंगा, क्योंकि लास्ट एपिसोड के नीचे कमेंट में ऐसे ऐसे टीवी सीरियल के नाम है, अगोरी कुछ कुल्फी वाले, उसमें सुना भी नहीं था. चले गए आज के एपिसोड शुरू करते हैं. वेल फ्रेंड्स, बात करें स्टार प्लस की, तो नच बलिए 2 का TRP और वॉपिंग 2.4. नच बलिए का जो TRP है गाइस वो नंबर 2 है स्टार प्लस पे. ऑब्वियसली नंबर 1 पे ये रिश्ता क्या कहलाता है. ओके, ये था. बात करें अभी जी टीवी की, तो गाइस डांस इंडिया डांस, डांस का जंगिस्तान, ओके, उसकी टीआरपी थी सिर्फ 0.7% की. नंबर वन टीआरपी जी टीवी पे थी कुंडली भाग्य की, और इसी के साथ कुंडली भाग्य ऑल द चैनल्स में नंबर वन आता है. कुमकुम भाग्य भी नंबर वन आता है. ये रिश्ता कहलाता है नंबर 2 आता है, लेकिन ये रियलिटी शोज नहीं है. ये वीक अभी 30 चल रहा है, 30वां हफ्ता चल रहा है साल का. एंड गाइस बात करें अभी दूसरे चैनल्स की, तो सोनी टीवी पे द कपिल शर्मा शो 2.4 की टीआरपी, यानी के नच बलिए 9 एंड कपिल शर्मा took a staggering 2.4 की TRP. बात करें सुपरस्टार सिंगर तो वो 2.2 था TRP. कलर्स टीवी पे जो रियलिटी शो आता है डांस दीवाने 2, उसकी TRP थी 1.9, वो भी काफी बेहतरीन थी, लेकिन नच बलिए से ज्यादा नहीं थी. एंड गाइस बात करें सब टीवी की, तो सब टीवी का जो इकलौता शो है जो अभी भी TRP चार्ट पे धमाका कर रहा है वो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा. छोटे थे तब देखा करता था, अभी देखता नहीं हूं मैं. तारक मेहता की TRP है 2.5 की TRP. वेल फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली अमेजिंग. इसी के साथ स्टार प्लस बिकम्स अ नंबर वन चैनल इन इट्स वीक 30 विद रेटिंग ऑफ 185. सो गाइज नच बलिए एंड द कपिल शर्मा शो बिकम द नंबर वन रियलिटी शोज इन द वीक 30. नच बलिए अपने दूसरे हफ्ते में भी टीवी जगत पे नंबर 1 के पायदान पर जमा हुआ है. ओके गाइज, अब बात करें कुछ और सीरियल्स की जो कि टॉप 5 में है. तो नंबर 5 पे है तुझसे है राबता, ये रिश्ते हैं प्यार के. मैंने कभी सुना नहीं हूं, मैं कभी देखूंगा भी नहीं. तो अगर आप नच बलिए नहीं देख रहे हो तो जरूर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी मजा आता है. दो एपिसोड्स आते हैं, सैटरडे को भी आता है, संडे को भी आता है, सुपर फन. ओके, एज ऑलवेज स्टे कूल मैन.